नमस्कार दोस्तों, A1 के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज का सवाल है, पठान लोमन जी का सवाल है कि उनके मस्जिद में दो एम्पलीफायर है, एक तो है आहुजा 160 और दूसरा है मेगा का 120, यानी SSA 120, SSA 160, यानी एक 160 वाट का एम्पलीफायर है, दूसरा है 120 वाट का एम्पलीफायर। अब उनके पास 6 यूनिट है जो कि AU60 यानी आहुजा AU60 टू पैरेलल में एक यूनिट जल जाते हैं, तो क्यों वो यूनिट्स जल रहे हैं, वायरिंग कैसे रहेगा, क्या रहेगा, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो कैसे ये लगाएंगे ताकि इनकी सारा चीज़ सही से चले। तो आप लोग भी वीडियो को देख लीजिए, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये मैंने सारा चीज़ कर ही के रखा है तो आपको बताने की अच्छा होगा। तो इनके पास है 6 आहुजा AU60, 60 वाट की ये ड्राइवर यूनिट होते हैं आहुजा की, ठीक ठाक होते हैं। और दो एम्पलीफायर की बात हमने किया है, आहुजा SSA 160 और दूसरा है मेगा SSA 120 जो कि 120 वाट की एम्पलीफायर है, ये 160 वाट की एम्पलीफायर है। अब बात ये करते हैं तो ये 160 वाट की, अब ओम लाइन पे ये लगाने चाहते हैं तो 1 2 3 4, ये एक 16 ओम का होता है दोस्तों। अगर 4 16 ओम को आप पैरेलल करेंगे तो टोटल होता है आपका 4 ओम, 16 का 4 ओम आएगा अगर 4 को आप पैरेलल करते हैं। पैरेलल कनेक्शन कैसा है, सारे देखिए, इसका प्लस, इसका प्लस, इसका प्लस, इसका प्लस को निकाल के आप 4 ओम पे लगाइए एम्पलीफायर की, ये जो एम्पलीफायर की चार पीछे जो है 4 ओम पे, सारा नेगेटिव को मिलाइए, ये नेगेटिव जो ब्लैक है, ब्लैक नेगेटिव, नेगेटिव को मिलाया, इसको जंप किया, इसको जंप सब कनेक्शन किया और कॉमन पे लगा दिए, तो कनेक्शन ऐसा होगा एम्पलीफायर की कॉमन पे लगाना है, ये है पैरेलल कनेक्शन। चारों को चारों आपको पैरेलल करना है, यानी सारे प्लस को जोड़ के आपको इस एम्पलीफायर के पीछे जो 4 ओम है उस पर लगाना है और सारे माइनस को जोड़ के कॉमन पे लगाना है ओम लाइन पे, ध्यान रखें। और ये वाला आपको ड्राइवर यूनिट की तरफ आपको ढकेल देना है, ओके, क्योंकि आप ड्राइवर यहाँ पे लगा रहे हैं, ध्यान रखें इसको ड्राइवर पे आप ढकेल दें, ये वाले को ड्राइवर तरफ, हॉर्न की तरफ ढकेले, ये एक चीज है। और दूसरा है बेस ज़्यादा ना दे, ये एक सेटिंग हो गया। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे ऐसे कैसे क्या करेंगे, इसको भी आप क्या करें, बाकी जो दो बच्चा 60 60 वाट, 120 वाट होता है तो ये 120 वाट आराम से झेल लेगा, तो इसमें 16 16 ओम इसको भी पैरेलल करेंगे तो 8 ओम होता है। तो दोस्तों इसकी जो नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव यानी जो ब्लैक ब्लैक है, ये दोनों को आप एक वायर जोड़ के इसको जो निकालेंगे, जो वायर निकलेगा वो एम्पलीफायर की कॉमन पे जाएगा। और वैसे ही आपकी यहाँ पे जो रेड रेड है, दोनों प्लस प्लस, ये दोनों को जोड़ के आपको ले लेना है इसकी 8 ओम पे, क्योंकि 16 16 अगर पैरेलल करते हैं तो 8 ओम होता है। तो यहां पे लगेगा दो ड्राइवर, मेगा पे लगेगी दो ड्राइवर पैरेलल पे, कॉमन 8 ओम पे, ध्यान पे रखिए कॉमन 8 ओम पे मेगा पे लगेगी दो ड्राइवर, और बाकी 4 ड्राइवर लगेंगे आहुजा SSA 160 पे और पैरेलल करके। तो ये है AU60 की बात है। अगर आपके पास LMT ड्राइवर है AU60XT तो इसमें आपको अलग करना होगा। क्या करना होगा मैं आपको बता दूं, ऐसे भी इसका भी चारों को चारों आपको करता करना तो होगा पैरेलल, लेकिन ये चारों चारों जो पैरेलल रहेंगे ये चारों आपकी स्विच तो वैसे ही आपको हॉर्न की तरफ ही होगा और बेस बटन ज्यादा नहीं रहेगा, बस थोड़ा कम कर दीजिए क्योंकि ये आपकी हॉर्न से, अब कनेक्शन सेम होगा, ऐसे ही कॉमन कनेक्शन सेम होगा, लेकिन ये 4 ओम की जगह पे ये 100 वोल्ट पे लगेगा इस एम्पलीफायर की, ये ड्राइवर जब लगेगा LMT वाला ड्राइवर। बाकी लेकिन और एक चीज भी है, क्योंकि यहाँ पे 60 60 वाट की है तो यहाँ पे ये 240 वाट हो जाता है, लेकिन ये 160 वाट दे रहा है। जब आप LMT ड्राइवर लगाएंगे तो वहां पे आप 240 वाट, जैसे यहाँ पे आपने 240 वाट लगा दिया ओम लाइन पे, तो दोस्तों ड्राइवर यूनिट में आपको एक चीज करना होगा कि यहाँ पे आपको सारे ड्राइवर के यूनिट के पीछे 60 वाट के जगह पे इसको 40 वाट पे सेट करना है। देखिए यहाँ पे आप तो 240 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 40 40 40 40 करके ऐसे सेट करना है नीचे, क्योंकि 60 वाट का ड्राइवर है लेकिन ये 160 वाट का आपका एम्पलीफायर है, इसीलिए 40 × 4 160 वाट यहाँ पर डालने से ये अच्छी बजेगी। ज़्यादा इसको ओवरलोड करेंगे तो अच्छा नहीं है, आपको 160 करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, यहाँ पे 40 40 का सेटिंग करिए, बहुत मस्त ये बजेगा। और ये दोनों का तो कोई दिक्कत नहीं, ये 60 60 वाट डायरेक्टली यहाँ पे मेगा पे चल जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाला नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों को वही पैरेलल करना है, कॉमन 100 वोल्ट पे यहाँ पे भी लगाना है। और इस
जैसे यहाँ पे सारा चीज़ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सही वही कॉमन आपको लगाना है, कनेक्शन सेम करना है पैरेलल, लेकिन आपको करना क्या होगा, जो ड्राइवर यूनिट जब लगाते हैं आप LMT वाले इसको, तो आप जरूर इसको कॉमन 100 वोल्ट पे लगाइए सबको पैरेलल करके, तो देख लीजिए दोनों का कनेक्शन कैसे पैरेलल, यही सेम कनेक्शन सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे लगेगी कॉमन 100 वोल्ट पे जब LMT ड्राइवर XT ड्राइवर लगाते हैं। तो XT का सवाल नहीं था ये, फिर भी मैं आपको थोड़ा इसमें बता देता हूँ, क्योंकि बाद में कोई पूछेगा कि सर अगर हम XT वाले लगाते हैं। तो वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे चैनल को, लाइक करे और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें आपको अगर कुछ ज्ञान यहाँ पर मिला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत।